अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान में अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके साथ ही धूप दीप नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी की चालीसा पाठ करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में खिलाएं। वहीं आपको बता दें स्नान दान और लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:42 से रात 12:32 तक रहेगा। वहीं स्नान दान का समय सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।